तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग पर। तो गाइस, आज हम कुछ अलग बनाने वाले हैं रात में, और हम बनाने वाले हैं आज समोसा। तो समोसा के लिए देखिए हम क्या क्या कर लिए हैं। सबसे फास्ट आलू बॉईल कर लिए हैं, देखिए आलू। और इधर मैदा निकाल के रखे हैं, इसको भी गूंदना है। तो आप सबको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे बैक कैमरा करके, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो और पूरा वीडियो देखो, ओके। तो गाइस, समोसे के आटे में, मैदा में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला। इसको थोड़ा सा घस कर और स्वाद अनुसार नमक, और गरम किया हुआ रिफाइन ऑयल, जो तेल गरम हो गया है। सब सारा डाल दे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको अच्छे से पूरा मैश कर लेंगे। और गाइस, और कढ़ाई गर्म है, और इसमें थोड़ा सा भून लेते हैं बादाम, जो डालेंगे समोसा में। जरूरी है बादाम डालना। कड़ी पत्ता को भी हल्का भून लेंगे। कड़ी पत्ता तोड़ के लाया है, इसको भी हल्का भून लेंगे। अभी फर्स्ट बादाम भूनते हैं, उसके बाद मसाला रेडी करेंगे कड़ी पत्ता डाल कर। समोसा खाना है तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, और कैसे कैसे हम बना रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो देखना, इस पूरा वीडियो देखिएगा। और इधर मैदा गूंद रहे हैं। तो गाइस, समोसा का जो आटा था मैदा का, वो डो तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। और इधर देखिए आलू बॉईल हो गया है, इसको छील लिए। अब आलू का मसाला देकर पूरा भून के रेडी कर लेते हैं मसाला। इधर बादाम भी हो गया है, और उसके बाद होगा आगे का। तो गाइस, सभी मसाला रेडी कर रहे हैं। इधर देखिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता, सरसों और जीरा, और एक एक लाल मिर्च का छौंका डाल रहे हैं। बड़ी जोर छींटा पड़ा, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं। कट करके प्याज रखे थे, प्याज भी दे रहे हैं। तो गाइस, प्याज अभी लाल हो रहा है, थोड़ा सा और बचा है। उसके बाद डालेंगे सारा मसाला। इधर है हल्दी, इधर है जीरा पाउडर, ये है मिक्स मसाला, इधर है गोलकी पाउडर, काली मिर्च, प्याज हो गया है लाल। अब हम डालते हैं थोड़ा 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 सा हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर, इतने थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो गाइस, इधर मसाला भुना गया है, अब इसको डालते हैं बॉईल करा हुआ आलू। तो
गाइस मसाला पूरा डाल दिए हैं इसमें, आलू बॉयल डाल चुके हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल दिए। यह समोसा का मसाला, आलू, प्याज, धनिया पत्ता नहीं था तो धनिया पत्ता नहीं डाले, आप लोग धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, अभी नहीं था तो हम नहीं डाले, बस जो था उसी को बना लिया। और गाइस इधर मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे को तो बस चाय और समोसा बहुत पसंद है। आप लोगों को चाय समोसा पसंद है या नहीं आप लोग कमेंट्स में पक्का बताइए। बहुत लोग चटनी समोसास से खाना पसंद करते हैं लेकिन हम सिर्फ चाय और समोसा खाना पसंद करते हैं, तो हम चाय बना रहे हैं। और अभी सारा मसाला तैयार हो गया है, आलू और इधर आटा। अब 10 मिनट के बाद समोसा फ्राई करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए समोसा में आलू भर रहे हैं, ये 15 मिनट हो गया है इसका आटा गूंदा हुआ, साइड साइड में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तीन कोन शेप में बनाने के बाद अब इसमें जाएगा ये आलू का मसाला, हाथ से चिका जा रहा है। थोड़ा बड़ा साइज में नहीं ना, ये थोड़ा छोटा छोटा साइज बन रहा है, थोड़ा बड़ा भी नहीं, बड़ा बड़ा। ऐसे करके हम सारा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसको गरम तेल में फ्राई करते हैं। तो आप लोग तो गाइस समोसा तैयार हो गया है, अब इसको हम लोग इधर तेल गरम कर रहे हैं, अभी फ्राई करते हैं। इतना मसाला बच गया है, चार चार पीस करके छानेंगे इसको, एकदम कम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छा से पके, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं। तो हेलो गाइस समोसा देखिए पूरा फ्राई कर लिए है, तैयार हो गया है समोसा खाने के लिए गर्मा गर्म। और ये है टमाटर सॉस, आप लोग चटनी किसी से भी खा सकते हो। तो आप लोगों को मेरा यह समोसा का वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक्स करिए और कमेंट्स करिए और प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।